है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। एक चैन चला रखी थी अपन ने, आपको पता है सही, अपन उसी चैप्टर को पूरा करने में लगे। आज थोड़ी लंबी बनाएंगे वीडियो, कहने का मतलब पार्ट्स में ही आज ही बना दूंगा मैं, अटैच रहेगी वो। अभी जैसे ये कंप्लीट होगी हम पॉज कर देंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, मैं लिख दूंगा और फिर वापस से उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा था दो प्रकार के, अपन ने रिसोर्सेज पढ़ लिए थे क्लासिफिकेशन, और अब हमारे पास में दो प्रकार के बचे जिसमें अभी एक प्रकार का ये रहा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी मालिकाना, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर क्या क्या कितने प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके बाद में अपन डेवलपमेंट के आधार पर पढ़ेंगे, और भी कोशिश करूंगा कि आज थोड़ी लंबी वीडियो बनाऊं 15-20 मिनट की, जिसमें तीन चार टॉपिक अपने कंप्लीट हो जाए इस चैप्टर के। तो आज हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी स्वामित्व, मालिकाना हक के आधार पर रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। तो माय डियर, सबसे पहले आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज को अपन प्राइवेट भी कह सकते हैं, प्राइवेट रिसोर्सेज भी, यानी जो भी ऐसे रिसोर्सेज जो ओन किए जाए प्राइवेटली, निजी हो, निजी, इसके द्वारा इंडिविजुअल, यानी कोई भी एक बंदा, परिवार, इनके द्वारा, ठीक है ना, इनको हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी का प्लॉट हो गया, घर हो गया, और कोई भी चीज, कार हो गई, ये सब क्या है, ये सब रिसोर्सेज है जो एक बंदा ओन करता है। उसके बाद बात करते हैं अपन कम्युनिटी ओन रिसोर्स की। कम्युनिटी बोलते हैं समाज, कि किसी भी एक विशेष समाज के व्यक्तियों का कोई रिसोर्स होना। जैसे कि मैं आपको सांगोद के उदाहरण की बात करूंगा, हिंदू जो काशीपुरी हिंदू धर्मशाला है वो हिंदू समाज की है, दैट मीन्स हिंदू समाज, समाज का ओन ओनरशिप है उस पर, किसी एक पर्टिकुलर बंदे की नहीं है, एक समाज का, एक समाज का ओनरशिप है उस पर। जैसे कि वह रिसोर्सेज जो एक्सेसिबल हो कितने लोगों के द्वारा, एक कम्युनिटी के सारे मेंबर्स के द्वारा, भले वो गरीब हो, अमीर हो, या कोई भी हो, बस कम्युनिटी होनी चाहिए। जैसे हिंदू समाज हो गया तो हिंदू समाज की है, हिंदू धर्मशाला, उस तरीके से, है ना। और एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे पब्लिक पार्क हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, कोई भी जगह हो गई जहां पर क्या नाम से समाज का कब्जा हो। जैसे कि धर्मशाला ले लो आप, धर्मशाला कोई सी भी, अग्रवाल समाज की धर्मशाला, दैट मीन सारे अग्रवाल की, सारे के सारे, ठीक है ना। जैसे मंदिर हो गया, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान कोई अलग अलग नहीं होते हैं, बट क्या कर रहे हैं, सुनारों का मंदिर, बाणियों का मंदिर, करारों का मंदिर, कितने सारे अपन ने बट चुके हैं, अपन क्या करें, हम इसका क्या कर सकते हैं, ये समाज के होते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है नेशनल रिसोर्सेज का। जो नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो रिसोर्सेज नेशन के अंडर आते हैं वो सारे के सारे नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब नेशन के अंडर कैसे आते हैं, माय डियर, टेक्निकली सारे के सारे रिसोर्सेज जिन पर हम हमारा हक बताते हैं ना, वो भी नेशन के। आपके घर में अगर कोई मिनरल निकलता है, कोयला निकल जाता है, गैस निकल जाती है, या पेट्रोलियम कोई पदार्थ निकल जाता है, तो वो फिर आपका घर नहीं होगा, छोड़ दो, छुड़वा देगी नहीं तो गवर्नमेंट, ठीक है ना, यानी उसके एवज में आपको पैसा देगी कुछ। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो 200 किलोमीटर, यानी किसी भी देश के बाउंड्री से 200 किलोमीटर दूर हो, है ना, और ऐसे ओशियंस में मिलते हो, उनको कहते हैं अपन इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जो किसी की भी, मतलब जब तक अपन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ना, जैसे यूनाइटेड नेशंस है, इनके द्वारा परमिशन मिलने पर ही हम इसको कंप्लीटली यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इस पार्ट में हुआ, इसी में अगली पार्ट में मैं जोड़ रहा हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि यहां पर वीडियो पॉज होगी हमारी, मतलब जैसे कट करते ना, कट पेस्ट वाली बात, जोड़ देंगे हम, लिंक कर देंगे यहीं से वीडियो। अगला टॉपिक अजी जस्ट इसी के बाद वापस से स्टार्ट हमारी वीडियो, जहां छोड़ी थी वहीं से अटैच आएगी ये दोनों वीडियोस। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि भाई विकास के आधार पर कि क्या स्थिति है, यूजेबल है, यूटिलाइज हो रहा है या फ्यूचर में होगा, ये सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पोटेंशियल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स है जिनका पोटेंशियल है कि हाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, जो एक जगह पर मिल गए बट हैव नॉट बीन यूज्ड, लेकिन अभी काम में नहीं आ रहे, ठीक है ना, यूज नहीं किए जा रहे। जैसे कि द रीजन राजस्थान और गुजरात में, यहाँ पे क्या है, फिर फुल पोटेंशियल है किसका, कि विंड और सोलर एनर्जी अपन यहाँ पर कर सकते हैं, यूटिलाइज प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट हो नहीं रही है, उतने लेवल पर नहीं हो रही, हो रही है बट उतने लेवल पर नहीं, तो ये पोटेंशियल हुआ, ठीक है ना। डेवलप्ड रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज जो डेवलप्ड हो चुके हैं, दैट मीन उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, सर्वे हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। जैसे रिसोर्सेज जिनका सर्वे किया जा चुका है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में पता लग गया है और यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर आता है स्टॉक और रिजर्व, कई अक्सर लोग इसमें दोनों में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो स्टॉक माय डियर द रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड, कि भाई ऐसे संसाधन ऐसे रिसोर्सेज जिनका सर्वे हो चुका है, जिनका पता लगे कि हाँ है बट कांट बी यूज्ड, कि लेकिन उनका प्रयोग नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, ड्यू अ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, किसकी वजह से, कि टेक्नोलॉजी नहीं उनको यूज करने की। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे बहुत ही इजी में बताया जा रहा है कि पानी जो होता है माय डियर दो गैसेस के द्वारा बनता है और दोनों ही क्या है ज्वलनशील, बहुत ज्यादा जलती है वो दोनों गैसें, है ना। तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको पता है इसी, अब ये दोनों ही गैसें बहुत ज्यादा रिच सोर्स हैं, किस चीज की, एनर्जी की, इनसे अपन एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं अगर अलग, लेकिन पानी से इन दोनों गैसों को कैसे अलग करें ये हमें आता ही नहीं, जब टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर कैसे यूटिलाइज करें। तो पानी एक स्टॉक है, पानी स्टॉक है, जैसे कि अब आता है रिजर्व। रिजर्व क्या होता है, रिजर्व में देखो द रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वे, जिनका सर्वे हो गया और हम जानते भी हैं कि उनका यूज कर सकते हैं प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से, बट हम कर नहीं रहे, जानबूझ के हम कर नहीं रहे, यहाँ हो नहीं पा रहा था, टेक्नोलॉजी थी नहीं, यहाँ टेक्नोलॉजी है लेकिन हम कर नहीं रहे, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम रिजर्व कहते हैं, रिजर्व कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जो डैम्स में पानी पड़ा है उसको, उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते, कई बार हमें छोड़ना पड़ता है जानबूझ के, चाहे तो अपन उससे लाइट बना सकते हैं लेकिन लाइट बनाए इतना, इससे भी कई ज्यादा पानी है वहां पे। फॉरेस्ट बरसात के मौसम में आपको पता है इसी, है ना, फॉरेस्ट हो गए, जंगल हो गए, इनका यूटिलाइजेशन हमें, टेक्नोलॉजी भी हम कर ही नहीं रहे लेकिन रखें, बस रखें तो ये रिजर्व हो गया। इसका एक उदाहरण और जिस तरीके से समझे आप, ये पोटेंशियल तो यही सी, पोटेंशियल वाले को इधर उदाहरण में देखते हैं। भारत ये राजस्थान के अंदर बाड़मेर और जैसलमेर में पेट्रोलियम गैस के कुएं मिले हैं, आप लोगों को पता है, लेकिन हम उनका यूज नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, अब हम वो रिजर्व के रूप में पड़े हैं अपने पास, कैसे, कि सर ये 91 कुएं हैं, 91 में से केवल 12 को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो 12 यूटिलाइज होते हैं, 79 जो हमारे 79 ही बचे ना, 79 जो कुएं हैं वो एज ए रिजर्व पड़े क्यों पड़े हैं, क्योंकि हमें पता है हम उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं बट हम कर नहीं रहे, क्यों, क्योंकि पैसा ज्यादा लगेगा, उससे कम में रशिया हमें पेट्रोल दे रहा है, उससे कम में ईरान हमें पेट्रोल दे रहा है, तो हम सोचते हैं कि पहले उसका यूज कर लेते हैं, जब उनके पास खत्म हो जाएगा तो अपने रिजर्व में गाड़ी लगा लेंगे, कि नहीं मतलब अपने रिजर्व के अनुसार यूटिलाइज करने लग जाएंगे। और आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ये क्या था, थोड़ा बड़ा पार्ट था ना, इसके लिए मैंने इसको कंप्लीट करने के लिए दो वीडियोस बनाई है, दोनों को कनेक्ट कर दिया है और समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको, ज्यादा पसंद आया लाइक करो, और नहीं पसंद आया कोई बात नहीं है, डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो सॉल्व करेंगे। देखो आप लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे यहाँ भी सॉल्व हो सकती है, हो सकता है आप मेरे ही स्टूडेंट्स हो देखने वाले, तो हो सकता है आपकी मैं पर्सनली फेस टू फेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। तो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आए हो, और अगर ऐसी वीडियो आपको और भी देखनी है तो। जय हिंद, जय भारत।